होशंगाबाद में एक डॉग के दो मालिक होने का मामला पुलिस के सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों मालिकों की सहमति से डॉग का डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल लिया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस डॉग के असली मालिक के पास पहुंचेगी। पुलिस पचमढ़ी में डॉग के पिता का भी सैंपल लेने के लिए डॉक्टर की टीम को भेजेगी। देहात थाने में शादाब खान और कृतिक शिवहरे लैब्राडोर डॉग अपना होने का दावा करने पहुंचे, जिसके बाद करीब 5 घंटे तक थाने में पुलिस और दोनों डॉग मालिकों के बीच बहस चलती रही। आखिरकार पुलिस ने डॉग का डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया, जिसके बाद पशु चिकित्सक ने डॉग का डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया। शादाब खान ने डॉग के पिता का पचमढ़ी में होना बताया, जिसको देखते हुए पशु चिकित्सक के साथ पुलिस की एक टीम पचमढ़ी जाएगी, जहाँ उसका भी डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाएगा। जांच रिपोर्ट आने पर डॉग को असली मालिक को सौंप दिया जाएगा। 18 तारीख को शादाब नाम के व्यक्ति ने ये कहा कि उनका एक डॉग जो मिसिंग हो गया था वो मालाखेड़ी में एक जगह पर है। सूचना पर पुलिस भेजी गई थी शादाब के साथ में, और वो डॉग लेकर आए थे, और जो डॉग लेकर आए थे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उसके पेश किए थे। क्योंकि एक पक्ष ही सुना गया था, इसलिए डॉग उनको दे दिया गया था। बाद में फिर 19 तारीख को जो डॉग जिस जगह से लाया गया था, उस जगह पर कृतिक नाम के जो एक व्यक्ति हैं उन्होंने उस डॉग को अपना होना बताया है, और दोनों पक्ष से चूँकि ये दावेदारी आई है कि डॉग एक है और उसके दावेदार दो हैं, ऐसी स्थिति में डॉग का जो एक्चुअल मालिक है उस संबंध में डॉक्यूमेंट्स हमारे द्वारा मांगे गए हैं, और अभी डॉक्यूमेंट्स एक पक्ष के पास पूरे नहीं हैं, और चूँकि मालिकाना हक स्थापित करना है इसलिए डॉग का डीएनए परीक्षण कराया जा रहा है, और डीएनए परीक्षण में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर डॉग क्या है, एक डॉग का है जिसको कि दो जो ऑनर है वो अपना अपना क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा डॉग है, ये मेरा डॉग है। तो उस सिलसिले में ये होशंगाबाद थाने से मेरे पास में एक प्रतिवेदन आया है, उसमें फिर रात को इनका ये कहना है कि डीएनए से कुछ जाँच हुई है, तो इसका एक सैंपल ले लिया गया है, जिससे ब्लड सैंपल और हेयर सैंपल ले लिए हैं जो पुलिस विभाग को हमने सौंप दिए। दरअसल होशंगाबाद के रहने वाले शादाब खान का कहना है कि उनका लैब्राडोर प्रजाति का डॉग लगभग 3 महीने पहले घर से गुम हो गया था, जिसकी सूचना उन्होंने देहात थाने में की थी। वहीं 18 नवंबर को मालाखेड़ी में ही डॉग के होने की सूचना मिलने पर शादाब खान कृतिक के निवास पर पहुंचे थे। उधर कृतिक शिवहरे द्वारा डॉग को लेकर थाने में दावा प्रस्तुत किया गया कि यह डॉग उनका है, जिसका नाम टाइगर है। इसके बाद से ही लगभग 2 दिनों से डॉग को लेकर दोनों ही पक्ष स्वयं के डॉग होने का दावा कर रहे हैं। परसों की रात का मामला है, मैं भोपाल में था, उस समय मेरा जो कुत्ता है उसको खान साहब के द्वारा यहाँ पर लाया गया, और उसके बाद अभी देखने को ये मिल रहा है कि जो कुत्ता है वो मेरा ही है। मैं सब कुछ यहाँ पे शो कर चुका हूँ, उसकी बचपन की फ़ोटोज़, एक एक स्टेटमेंट परचेज़ के, और जिस व्यक्ति से मैंने लिया है कल, वो 5 घंटे यहाँ पर सब कुछ बता के गए, और जिनके कहने पे कुत्ता काम कर रहा है उनके कहने पे उनकी हर बात मान रहा है, उसको कहाँ कहाँ लगी है, कहाँ निशान है, सब कुछ हम दिखा चुके हैं। उसके बाद भी दूसरा पक्ष दबाव बना रहा है। लैब्राडोर था जो मेरा अगस्त के महीने में खो गया था, जिसकी मैंने शिकायत थाने में आवेदन की तौर पे दिया था अगस्त में भी, और जैसे ही मुझे जानकारी मिलती है, एक लैब्राडोर इटारची का गुम हुआ था, मुझे जानकारी मिलती कि कृतिक शिवहरे का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम प्रियंका स्कूल है जो मालाखेड़ी में स्थित है, और मालाखेड़ी में वहाँ पे जब मैं देखने गया तो उसने बताया कि एक डॉग है जो 10,000 रुपये में बिक रहा है। तो मैं ग्राहक बन के गया था, और जब ग्राहक बन के गया तो पिंजरे में डॉग दिखा हुआ था, मैंने उसको बाहर निकलवाया तो वो मेरे पास आ गया, और जब वो मेरे पास आ गया तो उसे लाने के लिए बहुत विवाद हो रहा था वहाँ पे, तो जिसकी मेरे को पुलिस की सहायता लेना पड़ा, और पुलिस की सहायता जब लिया तो डॉग को जैसे ही स्कूल का गेट खोले तो वो घर तक का भागता हुआ गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। We'll be right back.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।